इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों, आज परवादी राज पर्युषण महापर्व का जो सुंदर ढंग से आपने कार्य किया, उसके बाद में 10 दिन तक जितनी वार्तालाप आपकी डेली मंदिर में लोगों से नहीं होती, जितना मेल मिलाप लोगों से 10 दिन तक आपका 365 दिन में
355 दिन लोगों से नहीं होता, उससे ज्यादा मेल मिलाप, उससे ज्यादा वार्तालाप, उससे ज्यादा आप लोग की बोलचाल लोगों से इन 10 दिनों में हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं गया हुआ था भाषण करते हुए, तो चर्चा चल रही थी कि लिए फलाना व्यक्ति बहुत दिनों से मंदिर में नहीं मिला, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं 14 तारीख को मिलेंगे, 14 तारीख को मंदिर में जरूर आएगा। बोले धूप दसवीं के दिन तो मंदिर में आते ही आता है, कि लोगों को ये मालूम है कि कहीं ना मिले लेकिन प्रवादी आज परमेश्वर पर में इंसान मिल जाएगा। आज यहां पर क्षमावाणी महोत्सव है। पहली बात तो यह है कि क्षमावाणी मनाई क्यों जाती है, दूसरी बात यह है कि क्षमावाणी किसके साथ में मनाना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि क्षमावाणी मनाने से होगा क्या, और चौथी बात यह है कि क्षमावाणी मनाने के बाद में क्या होगा। पहली बात क्या है कि क्षमावाणी है क्या, मात्र लोगों से क्षमा भाव फॉरवर्डेड मैसेज उठा के फॉरवर्ड करना, और कई बार तो नीचे का नाम बदल नहीं पता इंसान ऊपर का भेजा जाता है, बिना पढ़े भेजेगा तो ये होगा ना सारा। तो क्या है कि क्षमावाणी है क्या, मात्र किसी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा भाव कर लिया और पीछे जाके फिर उसके प्रति राग देश चल रहा है, ये क्षमावाणी नहीं है। क्षमावाणी तो वह है जो अंतःकरण से क्षमा निकले, और क्षमावाणी का तात्पर्य यह है कि आपको क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी है, आपको प्रयास करना है। आज आपको क्षमा मांगना है, आज मैं कहता हूं सबसे पहले आपको उन त्रियंच जीवों से क्षमा मांगना है जिनको हमारे कारण कई बार विराधना होती है, उन्हें छोटे छोटे एकेंद्री दोइंद्री जीवों से क्षमा मांगने का प्रयास करना है, जिनसे क्या होता है हमारे कारण कई बार उनको विराधना होती है, उनको तकलीफ होती है। हमारे बैठने के स्थान पर कोई जीव बैठा हुआ है, हम उसको भगा देते हैं, हम इसलिए भगाते हैं क्योंकि जैन समाज के लोग, कि उसकी हत्या ना हो, उसका मरण ना हो, लेकिन उसका स्थान तो खाली कराते हैं, तो उनसे भी क्षमा भाव करना है। आज वैसे तो आप लोग जानते हो क्षमावाणी क्या है, तो कहते हैं ना चार मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़, क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। क्या बोले, 2 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़ और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। क्या है, दो लोग मिलते हैं आपस में, फिर क्या होता है 20 खड़े कर जोड़, जो आपके ये 10 और सामने वाले के 10, तो क्या हुआ 20 खड़े कर जोड़ और 64 क्या होते हैं। अब एक आदमी ऐसा कर रहा है, मेरा तो नकली लगा हुआ है, दांत तो दांत है। क्या है, 4 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़ और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़ की। दो हाथ आपके जुड़ते हैं, दोस्त के जुड़ते हैं, 20 होते हैं और 64 दांत होते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। कहते हैं ना कि रोम रोम पुलकित होने का अवसर क्षमावाणी होता है। लेकिन क्षमा मांगना किससे है, उनसे जिनसे हम रोज ही मिलते हैं, बल्कि सही मायने में आपको क्षमा उनसे मांगना चाहिए जिनसे आपका बोलचाल बंद है, जिनको देखकर आपकी आंखें तन जाती हैं, जिनको देखकर आपका चेहरा क्रोध में आग पीला लाल बबूला हो जाता है, आग बबूला हो जाया करता है, उनसे आपको क्षमा मांगने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्षमा वाणी का कार्ड भी जा रहा है, तो क्षमा वाणी का कार्ड भी औसतन उन्हीं लोगों को जाता है जिनसे हमारी बोलचाल रेगुलर है, जिनसे हमारा मिलना जुलना है, बल्कि क्षमावाणी के कार्ड में उनका नाम काट दिया जाता है जिनसे हमारा लड़ाई है, झगड़ा है, बोलचाल बंद है, उनका नाम काट दिया जाता है। तो क्षमावाणी के कार्ड में उनका ही नाम पहले आना चाहिए जिनसे सचमुच में हमारी बोलचाल बंद है। और क्षमा मांगने के बाद क्या होगा, गुरुदेव कहते हैं कि गलती होती है इंसान से, गलती को माफ करते हैं वह भगवान समान होते हैं। गलती करने वाला इंसान होता है, गलती को माफ करने वाला भगवान के समान होता है, और जो गलती करे वह कौन होता है, हैवान होता है, शैतान होता है। कि एक बार मैं बता कहूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशारे से समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताने से समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने से समझते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो इशारे से समझेंगे, ना दिखाने से समझेंगे, ना बताने से समझेंगे, उनको तो जो करना है वही करेंगे।
वो तो कहते हैं महाराज आप कुछ भी बोलो लेकिन हमारे कान में तो क्या डला हुआ है, क्या डला हुआ है, बोली ना हमारे कान में तो क्या डला हुआ है, मोबाइल की लीड डली हुई है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पहले कहते थे कि कान में रुई डाल दो, लेकिन आजकल कान में रुई डालने का जमाना चल गया। आजकल तो क्या है, मैं देख रहा हूं मंदिर में भी आदमी आ रहा है ना, तो जैसे जानवरों के पट्टे बंधे रहते ना, ऐसे ही आदमियों के दो तीनों लगे लटकता रहता है सारा का सारा, और हेडफोन आईफोन क्या चलता है सारा का सारा चल रहा है, कि जैसे जानवर को पट्टा छोड़ देते हैं ना तो भागता है, ऐसे ही मंदिर में आदमी भागम भाग में आ रहा है। अरे कुछ तो पवित्रता रखो मंदिर की, फोन तक तो ठीक है लेकिन फोन के साथ में लीड लटका अटका के चल रहा है, और उनको लीड लटकाए को देखकर छोटे बच्चे रोते हैं कि मम्मी मुझे भी ऐसी लीड चाहिए। अरे आपकी पूजा के भाव को देखकर सामने वाले को कहना चाहिए मम्मी मुझे भी ऐसी पूजा करना है। इतना तो काम करने का प्रयास आपको करना ही चाहिए जीवन में। क्षमावाणी महोत्सव चल रहा है और क्षमावाणी पर्व पर आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न रूप से क्षमावाणी महोत्सव को मनाते हैं। कोई क्षमावाणी महोत्सव में इसलिए आता है, कई तरह से लोग आते हैं। पहला मुख्य कारण तो क्या है, हो सकता है कि आप सब उसमें ना हो, कई जगह लोग क्षमावाणी महोत्सव क्यों मनाने आते हैं, 10 दिन तो सूखा सूखा खाया, 10 दिन तो रूखा रूखा खाया, 10 दिन तो इच्छा भी थी तो भी नहीं खाया, लेकिन आज तो ना रूखा है ना सूखा है बल्कि क्या है, बढ़िया जैसा चाहिए वैसा है, ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, आज क्षमावाणी मनाने की बात चलती है, मैं कहता हूं सबसे पहले तो आपको क्षमावाणी महोत्सव क्षमावाणी से मांगना चाहिए कि हे क्षमावाणी माता हमने आपका दिन बदल दिया। वैसे तो क्षमावाणी पर्युषम पर्व की अगले दिन होती है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के कारण संडे के कारण आपका दिन ही बदल दिया। सबसे पहले तो क्षमावाणी से ही क्षमा मांगना है कि उनका दिन ही बदल दिया हम लोगों ने, क्या है अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने कार्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने भगवान की दिन बदल देते हैं। ये तो भला हो लोगों की थोड़ी सी बुद्धि का, ये तो लोग कहें भगवान का मोक्ष लग भी है संडे को ही आना चाहिए। किसी भगवान का जन्म कल्याण, किसी भगवान का मोक्ष लग संडे को आ जाए तो आदमी ऐसा प्रसन्न होता है, ऐसा प्रसन्न होता है जैसे उसके घर में 10-12 साल से किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो रिश्ता तय हो गया, ऐसा खुश हो जाता है, बोले संडे को है। और अगले दिन आता है महाराज जी क्या बताऊं मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, सारी खुशी का फूर। अरे भगवान का कल्याणक जो आता है वह किसी भी दिन आए, लेकिन आपके जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए आता है। तो क्षमा वाणी का जो पर्व है वह मात्र बहिरंग से क्षमा मांगने के लिए नहीं बल्कि अंतरंग से क्षमा मांगने का अवसर है। आज यहां पर सरमती तीर्थ नोएडा सेक्टर 27 में, मात्र नोएडा सेक्टर 27 बड़ा मंदिर की क्षमावाणी नहीं है बल्कि ये पूरी संपूर्ण जैन समाज नोएडा की क्षमावाणी है, और ये बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ 27 के जैन मंदिर में चलता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ यहाँ के प्रधान जी की बात कहते हैं, आज तक कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि सेक्टर 27 जैन मंदिर, ये तो कहते हैं जैन मंदिर ये है लेकिन पूरे जैन समाज नोएडा का मंदिर है। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यहां पर जो तीर्थ है वह एक कॉलोनी का नहीं है बल्कि पूरे पूरे समाज का है, और लोग यहां पर आकर सारा काम करते हैं। तो आज यहां पर क्षमावाणी महोत्सव है, साथ ही साथ में पुण्यशाली जीव हैं जो लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनके साथ में आज वही भी जीव पुण्यशाली है जिसने अपने पैसे का सदुपयोग किया, और पैसे का सदुपयोग करते हुए मंदिर जी में भगवान जी कभी मंदिर से बाहर नहीं जाते। कुछ भी कर लो, बहुत बड़ा महोत्सव हो, बहुत बड़ा विधान हो, कोई आयोजन हो, तो ही भगवान जी बाहर जाते हैं। तो भगवान जी को आसन देना ये भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य होता है कि आप भगवान जी को आसन देते हो, भगवान जी को सिंहासन पर विराजमान करते हो। लेकिन उस पुण्यशाली परिवार ने तो भगवान जी जिस पर सवार होकर, कहते हैं एक भजन आता है प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, कि जो प्रभु जी रथ पर सवार होंगे नगाड़ा बाजेगा, उस रथ को देने का प्रयास आदि जी काव्या जी इन्होंने प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से उनका परिवार भी पुण्यशाली भाग्यशाली है कि जिन्होंने आज ये कार्य संपन्न करने का प्रयास किया।
कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।